हेलो एंड वेलकम टू भादुड़ी फाउंडेशन टुडेज लेक्चर इज ऑन चैप्टर 9 एनसीईआरटी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्लास 10 टैन स्टार्ट द रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स आर रिला इनहेरिटेड दैट ए चाइल्ड बी ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ ए ह्यूमन बींगटी के रूल्स डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी करैक्टरिस्टिक्स बच्चों में आएगी ह्यूमन बींग्स की उसके पेरेंट्स की हा इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स बच्चे बिल्कुल एग्जैक्टली exactly अपने पेरेंट्स जैसे तो नहीं होते एंड ह्यूमन पॉपुलेशन शो ए ग्रेट डील ऑफ वेरिएशंस और ह्यूमन पॉपुलेशन में तो वेरिएशन भी बहुत होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेड्स इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड द मदर कॉन्ट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मेटीरियल टू द चाइल्ड इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटीरियल आता है प्रोजीनी में पेरेंट्स का दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुस्ड बाई बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डी एन ए हर ट्रेट पैटर्नल और मैटरनल डी एन ए से आ सकता है यूनिवर्सिटी ऑफ वियेना फेलियर इन द एग्जामिनेशन फॉर ए टीचिंग सर्टिफिकेट डिड नॉट सप्रेस हिज झील फॉर साइंसटिफिक क्वेस्टेंट बैक टू हिज मोनिस्ट्री एंड स्टार्ट इट ग्रोइिंग पीस टू अराइव एट द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मैंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की खोज की थी तो ये स्टोरी एन सी आर टी में लिखी है फॉर मोटिवेटिंग चिल्ड्रंस टू स्टडी साइंस तो मैंडल की बात कर रहे थे मैंडल यूज ए नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स

और ये देखा कि किस परसेंटेज में टाल प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं और किस परसेंटेज में शॉर्ट जो प्रोजीनी है वो प्रोड्यूस हो रही है इन द फर्स्ट प्लेस देयर वर नो हाफ वे कैरेक्टरस्टिक्स इन दिस फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट जनरेशन में 50 50 करेस्टिक्स नहीं थी और एफ वन प्रोजीनी नो मीडियम हाइट प्लांट्स ऑल प्लांट्स वर टाल सारे ही प्लांट्स टाल हो गए थे दिस मीन्ट दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वीन नोट सब मिक्सचर ऑफ द टू तो इससे उसने खोजा कि जो एक ही पेरेंट की करेक्टरिस्टिक्स है ट्रेट्स हैं वो ही प्रोजीनी में दिखाई दे रहे हैं उसके जो नेक्स्ट प्लान्ट उसमें दिखाई दे रहे हैं दोनों पेरेंट्स के ट्रेट्स नहीं दिखाई दे रहे मैंडिलियन एक्सपेरिमेंट्स टेस्ट दिस बाई गेटिंग बोथ द

प्लांट थे दिस इंडिकेट्स दैट बोथ द टालनेस एंड द शॉर्टनेस ट्रेड्स वर इनहेरिटेड इन द एफ वन प्लांट तो इससे पता लगा कि दोनों ही आ, पेरेंट्स के दोनों ही टाइप के प्लांट्स के उसमें ट्रेड्स इनहेरिट हुए थे एफ वन प्लाट्स में बट ओनली द टाल ट्रेड्स वर एक्सप्रेस्ड लेकिन ट्रेड्स किसके आए सिर्फ टाल प्लांट्स के हैं जो शॉर्ट वाले प्लांट थे उसके जो ट्रेड हैं वो रिसेसिव हो गए थे और जो एफ वन है जो टॉल प्लांट्स है उसके जो ट्रेड्स हैं वो डोमिनेंट हो गए थे तो जो दिखते हैं जो शो हो जाते हैं वो डोमिनेंट ट्रेड्स और जो नहीं दिखते जो दब जाते हैं उनको रिसेसिव ट्रेड्स बोलते हैं तो शॉर्ट प्लांट्स के जो ट्रेड्स थे वो रिसेसिव ट्रेड्स बन गए थे इन दिस एक्सप्लेनेशन बोथ टी टी एंड टी एंड स्मॉल टी आर टॉल प्लांट्स वाइल ओनली स्मॉल टी टी इज अ शॉर्ट प्लांट इन अदर वर्ड्स ए सिंगल कापी ऑफ टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टाल एक कॉपी ही लोंग टाल प्लांट की काफ़ी है प्लांट को लोंग बनाने में वाइल बोथ कापीज है टी टी फॉर द प्लान टू बी शॉर्ट जबकि अगर हमें शॉर्ट प्लांट प्रोड्यूस करना है तो दोनों कापी टी टी स्मॉल टी वाली होनी चाहिए ट्रेड्स लाइक टी आर कॉल्ड डोमिनेट रेट्स तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि डोमिनेट रेट क्या है टाल वाला टाल प्लांट्स जो कि कैपिटल टी है वाइल दोज दैट बिहेव लाइक स्मॉल टी आर कॉल्ड रिसेसिव ट्रेड्स टालनेस एंड राउंड सीड्स आर दस डोमिनेंट ट्रेड्स तो डोमिनेंट जो एक्सप्रेस किया जो एक्सप्रेस हुए प्रोजीनी में बट वाट हैपन्स वेन दिज एफ वन प्रोजीनी आर यूज टू जनरेट एफ टू प्रोजीनी बाई सेल्फ पोलिनेशन लेकिन क्या हुआ जब एफ टू प्रोजीनी हुई सेल्फ पोलिनेशन से ए मैंडीडियन एक्सपेरेंट फाइंड दैट सम एफ टू प्रोजीनी आर टाल प्लाट्स विद राउंड सीड्स एंड समर शोर्ट प्लांट विद रिंकल्ड सीड्स तो एफ टू प्रोजीनी में भी कुछ टाल प्लांट्स हुए और कुछ रिंकल्ड सीड्स हुए थैंक्स प्लीज शेयर दिस वीडियो टू यूर Friends, and download our app bahadurifoundation.com for PDF of this lecture and to get all videoed at one place. Thank you.